की बात करते हैं जहां पर योगी 2.0 में भी जारी है मिशन रोजगार। 1,90,000 लाभार्थियों को सीएम आज लोन बांटने वाले हैं। 16,000 करोड़ रुपए का लोन ये तकरीबन होगा। सीएम योगी लोकभवन में ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। आपको बता दें एमएसएमई लोन मेला होगा जो कि लोकभवन में ही आयोजित होगा। रोजगार पूरक योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम लोन देंगे। लोन वितरण का ये कार्यक्रम सभी जिलों में भी होगा। 2022 से 23 की तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वार्षिक लोन योजना भी शुरू होने जा रही है। तो योगी सरकार का लोन मेला यह है। लोकभवन में इसका आयोजन होगा। ओडीओपी वित्त पोषण योजना, इस योजना के लाभार्थियों को लाभ यहां पर मिलेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इस योजना के तहत है और लाभार्थी जो है वो यहां पर ऋण ले सकेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस योजना के लाभार्थी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इसमें आती है। इसके अलावा बारी बारी हम आपको ग्राफिक्स जरिए दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसके तहत लाभार्थी जो आते हैं उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। ओडीओपी वित्त पोषण योजना, तो इस योजना के लाभार्थियों को फायदा यहां पर दिया जाएगा। 2022 से 23 की वार्षिक ऋण योजना भी शुरू होगी। तो 16,000 करोड़ रुपए का लोन सीएम देंगे और ये बता दें आपको 2.5 लाख करोड़ से तकरीबन ज्यादा जो है वो यहां पर वार्षिक लोन योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ 2022 से 23 का ये वार्षिक लोन होगा जिसकी शुरुआत होगी। और इसके साथ हम ये बता दें आपको तमाम वो जो योजनाएं जिसके तहत आती हैं उन लाभार्थियों को यहाँ पर ये लोन जो है वितरित किया जाएगा, ये ऋण जो है वितरित किया जाएगा। बारी बारी हम आपको दिखा भी रहे हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके तहत ये लाभार्थी आते हैं जिनको यहाँ पर इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर काम सीधे रोक लेते हैं। मयूर, लोन मेले का आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, इसको लेकर क्या तैयारियां, फायदा सीधे होगा लाभार्थियों को? चले मयूर के पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें योगी सरकार का ये लोन मेला है और देखिए जो तमाम लोग हैं जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ यहाँ पर होगा उत्साहित है वो, क्योंकि इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि लोग जो है अपना रोजगार भी कर सके, इसके तहत लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके, संबल बनाया जा सके, ये कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री की है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि एक टारगेट है उनका कि हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर व्यक्ति खुद से अर्निंग कर सके, हर व्यक्ति जो है वो संबल बन सके, खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए तमाम योजनाएं जो सरकार समय समय पर लाती रहती है जिसके तहत लोगों को फायदा सीधे तौर पर उसका मिलता रहे, लोगों को यहां पर बेनिफिट जो है उसका मिलता रहे। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मयूर, पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तैयारियां कैसी? बिल्कुल, देखिए लोक भवन में मिशन रोजगार 2.0 अगर हम कहें योगी सरकार का तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी जो लाभार्थी हैं उनको मिशन रोजगार के तहत काम देने का काम किया है। एमएसएमई के तहत लगभग 1,90,000 जो लाभार्थी हैं उनको उनको जो है ऋण देने का काम किया जाएगा। 16,000 करोड़ का ऋण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटने का काम करेंगे। 10:30 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं प्रदेश के हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी के लगभग 1,90,000 जो लाभार्थी उनको दिया जाएगा। इसी के साथ 2022-23 की जो ऋण योजना है उसके तहत 2.35 लाख करोड़ की योजना का शुभारंभ भी आज किया जाएगा। तो एमएसएमई के तहत इसके पहले भी रोजगार देने का काम किया गया, तमाम सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत जो है युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है और इसके पहले भी ये काम किया गया और आगे भी लगातार जो है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है एमएसएमई के तहत उनको रोजगार देने का काम किया गया। तो 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और लखनऊ समेत जितने भी जिले हैं प्रदेश के वहाँ पर इन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और एक सुनहरा मौका है उन युवाओं के लिए भी जो अपना सपना साकार करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको जो है ऋण देने का काम किया जाएगा और इसके पहले भी लाखों लोगों को ऐसा जो है ऋण दिया जा चुका है। बिल्कुल मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। योगी सरकार की ओर से आज रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है जिसमें एक ही दिन में 27,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों की सौगात मिलने वाली है और इस मेले में करीब 124 कंपनियां शिरकत कर रही है। ये रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। यूपी में योगी राज 2.0 में बंपर नौकरियों की बौछार होने वाली है। योगी सरकार अब अपने रोजगार के वादे को पूरा करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार एक दिन में सबसे ज्यादा नौकरियां देने का
रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। जी हाँ, इसका आगाज होने जा रहा है राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के आईटीआई अलीगंज कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। दावा है कि इसमें 27,133 लोगों को एक ही दिन में नौकरी दी जाएगी। यही जिन लोगों को रोजगार मेले से जॉब मिलेगा उन्हें 10 से 15 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा। रोजगार मेले में करीब 124 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 124 में 118 कंपनियों ने दावा किया है कि उनके यहां कोई भी जॉब 10,000 रुपए से कम की नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक जो अभ्यर्थी मात्र हाई स्कूल पास हैं, वे भी रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट, आईटीआई राजकीय या निजी आईटीआई से पास आउट हैं, तो उनके लिए यहां सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी। डिप्लोमा पास अभ्यर्थी भी रोजगार मेले में हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा कौशल विकास से प्रशिक्षित लोग भी रोजगार मेले में आ सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में लखनऊ में लगने वाले बड़े मेलों में एक मेला रोजगार मेला भी है। अलीगंज आईटीआई पूरे प्रदेश के किसी भी जिले के छात्र आ सकते हैं। खबर यह भी है कि अब हर महीने ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चलिए आपको बता देते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी रोजगार मेले में जाता है तो उसे कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ ले जाने हैं। रोजगार मेले में आने वाले अभ्यर्थियों को अपने पास बायोडाटा की 2 कॉपी, उसके साथ शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी। इस सब के अलावा अभ्यर्थी को आधार कार्ड भी लाना जरूरी है। बिना आधार कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं होगा। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में करीब 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद सरकार मिशन रोजगार में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सीधे रुख करते हैं मयूर के, हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयूर, कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। ऐसे में बंपर रोजगार देने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से कर ली गई है आज? बिल्कुल, देखिए कौशल विकास मिशन और मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आज जो है राजधानी लखनऊ का जो आईटीआई कॉलेज है वहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। लगभग 124 कंपनियां वहां पर शामिल होंगी जो है और लगभग 10,000 युवा अपना वहाँ पर जो इंटरव्यू देने पहुँचेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद 10,000 से 25,000 रुपये तक की नौकरी इन युवाओं को दी जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, उन्होंने किसी तरीके का आईटी में डिप्लोमा किया है, उनको भी तवज्जो दिया जाएगा, उनको भी नौकरी देने का काम किया जाएगा। और जिस तरीके से मिशन रोजगार की हम बात कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम सी ऐसी योजनाएँ निरंतर चल रही हैं जिनके तहत जो है युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। और जो एक लक्ष्य है 50 लाख नौकरियां दोनों का, उसको लेकर भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। तो शुरुआत है आज से और 27,133, मैं आपको फिर से बता दूं, 27,133 पद हैं जिन पर जो है नियुक्ति की जाएगी युवाओं की, और वो नौकरी में जाकर आगे भी अपना कैरियर बना सकते हैं, आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा भी सुविधा वहां पर जरूर की गई है। तो आज जो है 10,000 लगभग जो युवा हैं आज के दिन शामिल होंगे, अपना इंटरव्यू देंगे। 124 कंपनियां रहेंगी और मन माफी कंपनियां, जिस चीज़ में आपको जो महारत हासिल है उस कंपनी में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। 10,000 से 25,000 रुपये तक की नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक ऐसे युवा जिनके पास बहुत हाईटेक डिग्री नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए।